आयकर विभाग की छापेमारी पर सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी मिल रही है। पीयूष जैन के घर से मिले कैश के सोर्स की जांच की जाएगी, सूत्र ये बता रहे हैं, और कितने बैंकों से जारी हुई रकम इसकी भी जांच होगी। पीयूष जैन के आनंदपुरी आवास से मिले थे 177.75 करोड़ और पीयूष के कन्नौज वाले घर से मिले थे 19 करोड़ रुपए। इन तमाम सोर्सेस की जांच की जाएगी। नोटों के बंडलों पर लिखे सीरीज की भी जांच की जाएगी। रतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, सोर्सेस की अब पड़ताल की जाएगी, क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस विषय में और निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, एक कारोबारी पीयूष जैन का जब डीजीआई ने छापा मारा था तो उसके बाद अकूत संपत्ति बरामद हुई थी, तमाम नकदी बरामद हुई थी, कुल मिलाकर के आनंदपुरी आवास से 170.45 करोड़ पर और कन्नौज के पैतृक घर से 19 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, जिसके बाद से नोटों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। और अब यहाँ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें ये निकल करके सामने आया है कि कितने बैंकों से ये रकम जारी की गई है, इस बात की पड़ताल की जा रही है। चूंकि 500 रुपए के 3 लाख नए नोटों का नए नोट मिले हैं तो इनका मिलान किया जाएगा कि ये कहाँ से आए। इसके अलावा भारी मात्रा में जो कैश मिला है उसका सोर्स क्या था, इस बारे में पड़ताल की जाएगी। जो ये अकूत संपत्ति मिली है उसका सोर्स क्या है, इसके बारे में पड़ताल की जाएगी, उसके बाद जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लगातार नजर बनाए रखेगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं अखिलेश यादव की। परशुराम परिक्रमा है क्या? अखिलेश यादव की विजय यात्रा का 10वां फेज आज से शुरू होने जा रहा है लखनऊ के गोसाईगंज से। इसकी शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव, गोसाईगंज के महुरा कला गांव जाएंगे अखिलेश। महुरा कला में परशुराम मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास बना है परशुराम का मंदिर और सपा नेता संतोष पांडे ने निर्माण इसका करवाया है। अब शुरुआत करने वाले हैं आज 10वें फेज की अखिलेश यादव विजय यात्रा लेकर के। लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तरफ वो निकल पड़े हैं और लखनऊ के गोसाईगंज से इसकी शुरुआत आज वो करने वाले हैं 10वें फेज की। गोसाईगंज के महुरा कला गांव जाएंगे अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुभव लखनऊ से मौजूद हैं। अनुभव, कितनी तैयारियां इस वक्त आप वहां पर देख पा रहे हैं? अगर सियासत के लिहाज से देखें, लखनऊ के गोसाईगंज के लिहाज से देखें, तो इस सीट के लिहाज से भी कितना महत्वपूर्ण है आज अखिलेश का कार्यक्रम, क्योंकि परशुराम मंदिर का भी वो उद्घाटन करेंगे महुरा कला में। तो तमाम अगर सियासत के लिहाज से हम देखें, क्या क्या कड़ियां हैं जो आज आप समझ पा रहे हैं वहां पर? देखिए, 2022 के चुनाव के लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि कैसे ब्राह्मणों को साथ लाया जाए। चुनाव से पहले हमने आपको पहले दिखाया, स्टार्टिंग पॉइंट पर हम थे जहां से वो विजय यात्रा शुरू होगी। हम अब इस वक्त हैं जहां पर इस यात्रा का समापन होगा और यही महुरा कला गाँव है जहाँ पर परशुराम जी का ये मंदिर है। भीतर आप देखिए 11 फीट की ये प्रतिमा है, पूरी कांसे की प्रतिमा है और समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं लंबुआ सुल्तानपुर से संतोष पांडे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया है, उन्हीं की ये जमीन है और ये प्रतिमा भी लगवाई है। और अखिलेश यादव जो आज 10वां चरण है उनकी विजय यात्रा का जो लखनऊ में हो रही है, बहुत दूरी उसकी बहुत कम है, कुल 15 किलोमीटर की ही दूरी यात्रा तय करेगी, लेकिन 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। पहला जो हमने दिखाया HCL जहाँ पर है वहाँ से शुरुआत होगी लखनऊ महानगर कार्यक्रम में 5 विधानसभाओं का। उसके बाद एक और कार्यक्रम होगा जो लखनऊ जिले का कार्यक्रम होगा, वहां पर 4 विधानसभाओं का कार्यक्रम होगा। और ये तीसरा कार्यक्रम होगा जिसे कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे और कोशिश यही है ब्राह्मणों को साथ लाने की, ब्राह्मणों को रिझाने की। हमने आपको परशुराम जी की प्रतिमा दिखाई और सबसे महत्वपूर्ण ये अगर आप देखिए 108 फीट की ऊंचाई का ये जो फरसा है ये यहाँ पर लगाया गया है और ये एक आकर्षण का केंद्र है। इतना अगर हम कहें इतनी ऊंचाई पर फरसा यहाँ लगाया गया है, प्रतिमा 11 फीट की है लेकिन ये फरसा 108 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया, पूरा तकरीबन 1 बीघे का ये इलाका है, यहीं पर ये मंदिर बनाया गया। और अभी 108 फीट की एक प्रतिमा इसी तरह की लगाई जाएगी क्योंकि वो जयपुर में तैयार हो रही है, अभी तैयार होकर आ नहीं पाई है, इसीलिए पहले ये 11 फीट की प्रतिमा यहाँ पर लगा दी गई। लेकिन अखिलेश यादव हर जिले में जा रहे हैं, विजय यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं वो 60 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, कहीं 80 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, उनकी हर यात्रा में कुछ ना कुछ नया है, ये लगातार वो इस बात का दावा भी कर रहे हैं और इसी से जनता
आ रही है सामने। अखिलेश यादव ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं, हालांकि आज जब वो यहां पर पहुंचेंगे किन मुद्दों पर फोकस होगा देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।